नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज मैं स्वीट की बहुत ही सिंपल रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। नॉर्मली जब हम तरबूज खाते हैं तो तरबूज के जो पीछे का हिस्सा होता है उसे हम फेंक देते हैं, तो आज की इस रेसिपी को मैं इसी से बनाऊंगी। जो हमारा तरबूज का छिलका होता है उसका आज मैं हलवा बनाने वाली हूँ। तो चलते हैं फटाफट से इस रेसिपी को बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा के मेरी वीडियोस को लाइक करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तरबूज का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए तरबूज के छिलके, जो हम खा के फेंक देते हैं। तो मैंने उसे छिलके का इस्तेमाल यहाँ किया है और मैंने इसे छील लिया है। बाकी मैंने एक पीस रखा है आपको कट करके दिखाने के लिए। ये देखिए, जो तरबूज के पीछे ग्रीन वाला हिस्सा होता है, चाकू से इस प्रकार से हम इसे छील के हटा देंगे। इस हलवे को बनाने में आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा और जो छिलके हैं जिसे हम फेंक देते हैं उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा। और तरबूज को काटने के बाद जो तरबूज का लाल वाला थोड़ा सा हिस्सा रह गया है तो उससे कोई बात नहीं है, हल्का फुल्का रह ही जाता है खाने के बाद। मतलब जब हम काट के खाते हैं तो थोड़ा बहुत लाल हिस्सा रह जाता है, तो कोई बात नहीं, हलवा में हम इसके साथ ही इसे बना लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि मिक्सी का जार ले लेंगे और इसे छोटे छोटे पीस में कट करके डाल लेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड करेंगे तो ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। चाहें तो आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करने में इसे बहुत मेहनत लगेगी। बहुत छोटे छोटे पीसेस होते हैं और कद्दूकस करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इससे इस तरीके से हमारा समय भी बच जाएगा। तो इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। हमें इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है ताकि तरबूज के एक भी बड़े पीसेस ना रहें। तो ये मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और हमें इसे बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं करना है कि हम इसे लगातार चलाते जा रहे हैं और एकदम पेस्ट जो है एकदम बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाए। नहीं, बस हमें इतना पीसना है कि अच्छे से पीस जाए। ये देखिए, ये अच्छे से पीस गया है। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे घी, क्योंकि जब हम घी में हलवे को बनाएंगे ना तो उसका जो टेस्ट है पूछिए मत। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी डाला है और ये पिघला हुआ घी नहीं है। पिघलने के बाद इसकी मात्रा पहले से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप पिघला हुआ घी डाल रहे हैं तो आप 4-5 चम्मच डालिएगा। तो घी यहाँ पे हमारा पिघल गया है। अब हम गैस का आंच बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसमें डालेंगे सूजी। आपके पास अगर मोटी वाली सूजी है तो वो भी डाल सकते हैं, और मेरे पास बारीक सूजी थी तो यहाँ पर मैं बारीक सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच सूजी डाला है। मिक्स कर लेते हैं इसे घी में एक बार अच्छे से। साथ ही साथ हमें इसमें डालना है 1 चम्मच बेसन। घी के साथ बेसन को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो हमारा गैस का आँच है वो मीडियम और लो के बीच में रखेंगे। तेज आँच नहीं रखेंगे, नहीं तो डालने के बाद ये एक ही मिनट में हल्का सा सुनहरा हो जाएगा और जो बेसन और सूजी के भुनने की जो खुशबू होती है वो नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने गैस का आँच धीमा कर दिया है और अब हम इसे धीमी आँच पर तब तक भुनेंगे जब तक इसमें से भुनने की भीनी भीनी सी खुशबू ना आने लगे और जो हमारा बेसन है उसका कलर ना चेंज हो जाए। सूजी और बेसन को 6-7 मिनट मैंने भून लिया है और इसमें से भुनने की भीनी भीनी सी खुशबू आना शुरू हो गई है और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें 1 चम्मच घी और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हलवे में थोड़ा तो घी बनता ही है और हलवे में हम एक साथ घी ही नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे। तो घी को डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप पिघला हुआ घी डाल रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। अब हम इसमें तरबूज को डाल देंगे जो हमने पहले ही से ग्राइंड करके रखा था और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का आँच हम मीडियम कर देंगे। चाहे तो आप इसे तेज आँच पे भी भून सकते हैं और हमें इसे अब तब तक भूनना है जब तक कि इसका जो एक्स्ट्रा वाटर दिख रहा है वो अच्छे से सूख ना जाए। इसमें मैंने बेसन और सूजी दोनों का इस्तेमाल किया है। बेसन और सूजी का इस्तेमाल करने से एक तो हमारे हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, साथ ही साथ जो तरबूज में एक्स्ट्रा वाटर होता है वो भी उसकी वजह से कम हो जाएगा। तो मैंने इसे लगातार चलाते हुए 12 से 15 मिनट तक भून लिया है और आप देख सकते हैं कि इसका एक्स्ट्रा जो वाटर था वो बिल्कुल सूख गया है और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि हमने इसमें जो सूजी और बेसन डाला है उससे एक तो इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है और एक बहुत ही अच्छा कलर भी देता है हमारे हलवे को। तो ये अच्छे से भुन चुका है और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार चीनी। तो यहाँ पे मैं 60 ग्राम चीनी डाल रही हूँ और अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा चीनी और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद 2-3 मिनट हम इसे और पकाएंगे, क्योंकि जब चीनी घुलेगा तो इसमें से दोबारा से पानी निकलना शुरू होगा,
तो हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि चीनी घुल ना जाए और जो चीनी का जूस होता है वो अच्छे से सूख ना जाए। हलवा तो आपने कई प्रकार से बनाया होगा, खाया होगा और परिवार में सभी को खिलाया होगा, लेकिन एक बार आप इस छिलके के हलवे को बना के देखिए, यकीन मानिए आपको ये बहुत पसंद आएगा। नॉर्मली तरबूज खाने के बाद छिलका हम फेंक देते हैं, तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है और इस समय गर्मी का मौसम है, तरबूज सभी के घरों में आते हैं, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप भी इस छिलके का हलवा बनाते हैं तो आप इस छिलके का हलवा कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चीनी का जितना जूस था वो अच्छे से सूख गया है और मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए हल्का दानेदार दिख रहा है। दानेदार दिखने का रीज़न ये है कि इसमें जो हमने सूजी डाला है उसकी वजह से ये दानेदार दिख रहा है। और इसे खाने के बाद कोई भी ये नहीं बता सकता है कि आपने इसे तरबूज के छिलके से बनाया है। और इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं एक कप दूध डाल रही हूँ। अगर आपके पास खोआ है तो आप यहाँ पे खोआ भी भून के कद्दूकस करके डाल सकते हैं। तो नॉर्मली जो हमारे पास चाय वाला कप होता है उसी से मैं थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ। हमारे हलवे को बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा ये। साथ ही साथ मैं इसमें 2 से 3 चम्मच दूध के ऊपर जो मलाई होती है वो डाल रही हूँ। इससे हमारे जो हलवे का टेस्ट है वो बढ़ जाएगा क्योंकि हम इसमें खोए का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और खोआ अगर घर में नहीं है तो आप दूध के ऊपर की जो मलाई होती है वो निकाल के डालेंगे तो हलवे का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। और इसे अब हम दोबारा से तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका दूध है वो हलवे में अच्छे से सूख ना जाए। तो गैस का आँच मैंने यहाँ पर मीडियम कर दिया है। आपको इस हलवे को बनाने में 25 से 30 मिनट लगेंगे और हमने जो इसमें दूध डाला था वो भी अच्छे से सूख चुका है। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इलायची पाउडर। मैंने 2-3 इलायची लिया था। इलायची को मैंने कूट के उसका पाउडर तैयार कर लिया है और उसका जो छिलका था वो मैंने हटा दिया है। इलायची डालने से हमारे हलवे में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और अगर आपके पास केसर के धागे हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, हलवे का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और साथ ही साथ हलवे को एक बहुत ही अच्छा कलर भी मिलेगा। अब मैं यहाँ पे थोड़े से काजू और बादाम को काट कर डाल रही हूँ। और आपके पास जो सूखे मेवे हो वो डाल के हलवा बनाए, भाई हलवा है और हलवे में घी ना हो, ड्राई फ्रूट्स ना हो तो भाई मज़ा नहीं आता है। तो हलवे को ग्रीसी ग्रीसी सा टेस्ट देने के लिए मैं लास्ट में 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। और अगर आप घी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं हलवे में खाना तो यहाँ पे आप घी ना डालें। घी डाल के हम इसे हलवे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस बंद कर देंगे और चलते हैं फटाफट से इस हलवे को सर्व करने के लिए। आप इस हलवे को बना के गर्मा गर्म सर्व करें क्योंकि इस हलवे का मज़ा गर्म गर्म में ही आता है। अगर इस रेसिपी को बनाते समय आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर देंगे ताकि ये देखने में अच्छा लगे और सामने वाला जब इसे देखे तो खाए बगैर रह ना पाए। तो आप इस हलवे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में। तब तक के लिए बाय बाय।